गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आई एम प्रीति सिन्हा। आई एम प्रोसीडिंग चैप्टर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। द लास्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन मेनी वेज। उसको बहुत तरह से इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों को स्टैंडर्ड 10 में सिर्फ एक ही उसका वे पढ़ना है जो कि आगे बताएंगे। द टू मोस्ट कॉमन वेज जो है उसको डिस्क्राइब करने का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला हम लोगों को सीनियर क्लासेज में पढ़ना है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। हियर वी इन 10 क्लास हम लोगों को सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसमें बहुत सारा टर्म्स है, इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब टर्म के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या, तो ऑक्सीडेशन ये पहला टर्म मेरा आया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, पहला क्या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा क्या है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग क्या सीख रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल है कार्बन है, कार्बन सॉलिड स्टेट में कार्बन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन से वो कंबाइन करके और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी पढ़े हैं, ये जो ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन कंबाइन किया इसी को क्या हम लोग बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। हम लोग क्या सीखे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है टर्म, रिड्यूसिंग रिएक्शन। इट इज डिफाइंड एज अ रिएक्शन इन विच आइदर हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस और ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस। इसमें क्या सीखे थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या करेंगे हम लोग, जस्ट अपोजिट है उसका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यही है। हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। इसका एग्जांपल कहाँ पे है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है प्लस क्लोरीन गैस है, ये गैसियस स्टेट में है। ये क्या करता है क्लोरीन, ये Cl2 2HCl, यहाँ पे ये जो H2 है और ये Cl2 है, HCl बनाया। अब हाइड्रोजन इज एडेड, यहाँ पे हाइड्रोजन किस इसमें ऐड हुआ हाइड्रोजन, इसलिए इसका रिडक्शन हुआ, यहाँ पे प्लस सल्फर, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको क्लोरीन गैस से जब हम ये रिएक्ट होता है तो 2HCl बना, ये Cl2 में क्या चीज ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो क्या बन गया हमारा 2HCl बन गया और सल्फर अलग हो गया, इसमें क्या हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन हम लोग क्या पढ़े हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक दो बार इसको पढ़ना है तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है टर्म, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कोई भी काम करने के लिए हम लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं कि ये कर देगा ये काम, चाहे कोई LIC का एजेंट होता है, GIC का एजेंट होता है, वो जाके अपने आप जो भी उसका है वर्क है उसको रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही जो रिएजेंट, जो एजेंट ऑक्सीडाइज करता है, ए सब्सटेंस विच कॉजेज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसा केमिकल, वैसा एजेंट जो कि ऑक्सीजन को ऐड करता है या हाइड्रोजन को रिमूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ए सब्सटेंस विच कॉजेज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
फ्रॉम अदर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो वैसा केमिकल वैसा सब्सटेंस रिएक्टेंट में जो कि हाइड्रोजन को ऐड करता है और ऑक्सीजन को रिमूव करता है, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इसको हम आगे भी एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ लिए, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लिए, अब दोनों जब एक साथ होगा तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड, इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। व्हेन फेरिक ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन आर फॉर्म्ड एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ये क्या है, आयरन ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ और ये आयरन। इन दिस रिएक्शन Fe2O3 इज कन्वर्टेड इनटू Fe एंड आफ्टर लूजिंग ऑक्सीजन, क्या हो गया, ऑक्सीजन का लूज हो रहा है तो मतलब रिडक्शन हुआ। वेयर एज एल्यूमिनियम इज कन्वर्टेड इंटू Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड आफ्टर गेनिंग ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसको हम लोग जरा एक रिएक्शन बना के, एक इक्वेशन बना के इसको समझते हैं। दस Fe2O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Al इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसको देखिए यहाँ पे, ये क्या है हमारा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ये सॉलिड है, ठीक है। इसको जब हम रिएक्शन करवाए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और आयरन, इसमें हमको क्या क्या चीज समझना है, तो इसमें से इसका क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये कहाँ चला गया, Fe बन गया, Fe2O3 क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, Fe में कन्वर्ट हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। इसका क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब पहले क्या हम लोग सीखे थे, रिडक्शन, ठीक है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या था, रिडक्शन। यहाँ एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या चीज में चेंज हो गया, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज हो गया, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब अच्छा अब देखिए ये इसका काम क्या है, ये जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये, इसके थ्रू ये हो जाएगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ अवर न्यू टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। मेनी केमिकल रिएक्शंस That occur around us are oxidation reaction. For example, burning of coal, जैसे कोयला जलता है या LPG गैस जलते हैं या हम लोग का respiration होता है, rusting of iron, ये सब क्या है, oxidation reaction। जो atmosphere में oxygen होता है उसके presence में, उसके presence में ही burning होता है, कोई भी चीज़ जलता है तो वही oxygen हमारे body के अंदर जाता है तो respiration होता है। अब हम उसके बारे में क्या पढ़ना है हमको, तो एवरीडे लाइफ में इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये तो हमको दो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट पढ़ना, इसमें हमको इम्पॉर्टेंट है जो कि 10 क्लास में पढ़ना है। पहला क्या है, कोरोजन ऑफ मेटल्स, दूसरा क्या है, रेंसिडिटी ऑफ फूड। कोरोजन, कोरोजन क्या है, ईटन अप ऑफ मेटल ग्रेजुअली बाय द एयर मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सर्फेस। जो डिकेइंग होता है मेटल्स का इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में, क्या चीज़, ऑक्सीजन मौजूद होते हैं उसी के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या हो जाता है, रस्ट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, 4Fe+3O2 XH2O वाटर होता है ना, मॉइस्चर जो एयर में होता है उसके प्रेजेंस में क्या बन गया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट इज रस्ट, यही रस्टिंग होता है। ये हम जो मेटल होते हैं उनको डीके कर देता है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, तो इसको ऑक्सीजन से जो कांटेक्ट है, हवा से कांटेक्ट है, उसको हम लोग कट ऑफ करेंगे। उसके लिए सबसे पहला क्या हो गया, बाय पेंटिंग, पेंट कर देंगे, ग्रीजिंग कर देंगे, ऑयलिंग कर देंगे, गैल्वेनाइजेशन कर देंगे। गैल्वेनाइजेशन क्या है कि एक कोटिंग होता है, डिपॉजिटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे का नेक्स्ट, उसमें क्या है उसका इफेक्ट, रैंसिडिटी। कभी कभी जो जो एडेबल जो हमारा फूड होता है वो बैड स्मेल आने लग जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, वो क्या क्यों होता है, रैंसिडिटी के कारण। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन ए फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इसमें होता क्या है, इस्टर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट कर जाते हैं फ्री फैटी एसिड्स में। ऑयल में जो इस्टर्स होते हैं वो क्या चीज़ में कन्वर्ट कर जाते हैं, फ्री फैटी एसिड्स में, जिससे उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है और बैड स्मेल आने लग जाता है। कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट करेंगे रेंसिडिटी को, तो बाई यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स, उसमें ऐसा चीज डालेंगे जिससे उसमें ऑक्सीडेशन हो ही नहीं। तो ये सब क्या होता है, इंडस्ट्री जो फूड इंडस्ट्री होता है उसमें ये सब यूज होते हैं। दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम क्या है, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलविन। उसके बाद वैक्यूम पैकेजिंग, वैक्यूम पैक हमको क्या करना है, यहाँ पे रेंसिडिटी में फूड को एयर के कॉन्टैक्ट से हटा देना, कट ऑफ कर देना, ऑक्सीजन उसके पास नहीं जाए, तो वही वैक्यूम पैकेजिंग, वैक्यूम करके पैकेजिंग करेंगे, वहाँ पे एयर नहीं रहेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, पैकेजिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन गैस में हम उसको क्या करेंगे, फूड को पैकेज करेंगे। जो आप लोग चिप्स वगैरह कोई भी खाता है वो, लेकिन अभी के समय में कुछ नहीं खाना है ये सब, तो वो सब क्या होता है, पैकेजिंग होता है ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन गैस में। तीसरा फोर्थ क्या है, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, रेफ्रिजरेशन जो हम लोग जो फ्रीज में कोई सामान रखते हैं तो उसका उसमें कहीं से ऑक्सीडेशन जल्दी से होने की होने का चांस कम होता है। थैंक यू, आवर लेसन 1 इज कंप्लीटेड।